Good morning, everyone. Assalamu alaikum. How are you all? Hope all of you are fine and safe at home, because we should stay at home, safe at home. Okay. Thank you, students. Your teacher, Mr. Rubab, is also fine and safe at home. Alhamdulillah. आज हम अपने लर्निंग नोट्स में आपके लिए ऑनलाइन लेक्चर इंग्लिश का लेकर आए हैं. और फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मुझे ये बताएं कि आप लोगों में से सब ने लर्निंग नोट्स बाय कर लिए हैं. लेकिन बट मुझे तो बताया कि अभी तक बहुत से स्टूडेंट्स ने लर्निंग नोट बाय नहीं किए. तो हम जल्दी जल्दी से बाय करो, क्योंकि अगर आप लर्निंग नोट बाय नहीं करोगे तो फिर आप लोग मेरे साथ क्लास के अंदर कैसे लर्न करोगे. जैसे टीचर अपनी ये ऑनलाइन क्लास को प्रिपेयर करती है और आप लोगों के लिए इतनी अच्छी इतनी मेहनत से वीडियो मेक करती है कि मेरे प्ले ग्रुप स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छा सा पढ़ लर्न कर सकें इन डेज में, जिसकी वजह से हम लोग इन कोविड की वजह से हम लोग घर पे हैं ना, तो हम लोग घर में बैठे भी ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू कुछ ना कुछ लर्न कर सकें. तो टीचर आपके लिए ऑनलाइन क्लास में एक वीडियो सेंड करती है और आप लोगों को कहती है आप उस वीडियो को देखो और उस वीडियो के थ्रू जो है वो जितना भी आप लर्न कर सकते हो आप लर्न करो. और इंशाल्लाह वेरी सून जब हमारे स्कूल ओपन होंगे तो फिर हम लोग यहाँ पे फिजिकली जब अपने स्कूल में आएंगे तो फिर वहाँ पे आके दोबारा से पढ़ लेंगे. लेकिन घर में बैठकर हम लोगों को बिल्कुल गेम्स की तरफ नहीं जाना चाहिए, बल्कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो अपनी स्टडी की तरफ भी देना चाहिए. हम लोगों को अच्छी अच्छी कलरिंग करनी चाहिए, ड्रेसिंग करनी चाहिए और हमें लर्न करना चाहिए जैसे टीचर लर्न करवाती है ना टीचर. चले कम टू द पॉइंट और कम टू द टॉपिक. अपने टॉपिक की तरफ आते हैं. सबसे पहले आपकी लर्निंग नोट की बुक है मेरे सामने और इस लर्निंग नोट को मैं करने लगी हूँ ओपन. कैसे? ऐसे. और मैंने ओपन किया है पेज नंबर 3. पेज नंबर 3 ओपन क्यों किया मैंने? समय तो लग गया सबको. वेरी गुड. ये हमारा है जीके का पेज. ये हमारा कौन सा पेज है? जनरल नॉलेज, जिसको हम क्या शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं जीके. और उसका हम लोग कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन. कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? फर्स्ट क्वेश्चन. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कौन सा? व्हाट इज़ योर नेम. मैंने आपको इस फर्स्ट क्वेश्चन को बहुत डिटेल से अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया है कि इसका मतलब क्या होता है और इसका आंसर आप लोगों ने क्या देना है. अब आप लोग जब स्कूल आओगे तो मैंने आपको इनके बारे में कुछ और नहीं बताना, आपसे क्वेश्चन करना, लाइक व्हाट इज़ योर नेम. आपका जो नेम होगा आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है जी. तो इसके बारे में तो ज़्यादा नहीं ना मुझे बताना. अब तो सबको लर्न हो गया ना ये क्वेश्चन. वेरी गुड. ओके जी, टर्न योर नेक्स्ट पेज एंड कम टू द योर इंग्लिश पोर्शन, जो कि आपका एक बहुत प्यारा सा आउल बना हुआ है और उसने बुक पकड़ी हुई है ABCD की. और वो कह रहा है कि मेरे साथ आप लोग इंग्लिश जो है पोर्शन में आ जाएं और अपनी इंग्लिश के वर्ड लेटर, सबसे पहला जो आपका लेटर है उसकी आप अच्छी सी रिकॉग्निशन कर लें. ओ, सबसे पहले तो हमारे पास लेटर्स हैं. आज मैं आपको सिर्फ एक ही लेटर के बारे में बताऊँगी. क्यों? क्योंकि सिर्फ हमने उसी के बारे में आज हमने पढ़ना है. और वो हमारा लेटर कौन सा है? वो मेरा लेटर है ए ए. क्या लेटर है वो? ए ए. आज मैं सिर्फ इसके बारे में पढ़ूंगी. अपना स्केल मैं बाकी नीचे वाले लेटर्स के ऊपर रख देती हूँ ताकि वो नजर शो नहीं होंगे आपको और आपको सिर्फ एक लेटर शो होगा. वो कौन सा लेटर है? ए ए ए ए ए ए. और मेरा ए ए का फ्रंट कौन है? ए ए एप्पल. अब मैं उन फ्रंट नीचे वाले फ्रेंड्स को गायब कर देती हूँ. मैजिक आबरा का डाबरा. ये जो वो गायब हो गए हैं, है ना, डिसअपियर हो गए ना. वेरी गुड. ओके जी, ए एन एप्पल. ए एन एप्पल, ये हमने फ्रेंड जो है वो अच्छे से रिकॉग्नाइज करना है, क्योंकि आज इसका लास्ट पेज मैं आपको करवाऊंगी, जो कि मैं आपको थ्रू पेंसिल आज आपको मैंने करवाना है और आपके बुक पे ही बताना है कि आप लोगों ने उसके ऊपर कैसे ट्रेसिंग की थी और कैसे ट्रेसिंग करनी है, ठीक है. चले जी, आप अपने नेक्स्ट पेज को टर्न करें. पेज नंबर 6 तो आप कर चुकी हो ना. पेज नंबर 6 हो गया. वेरी गुड. आज हमने प्रैक्टिस करनी है अपने पेज नंबर 7 पे. अपने पेज नंबर 7 पे हमने प्रैक्टिस कैसे करनी है वो मैं आपको अभी बता देती हूँ. ओके जी, आपको मैंने आपके कहा था कि पेज नंबर 7 पे हम लोग मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आप लोग अपने पेज नंबर 6 ऑलरेडी कर चुके होंगे. अब पेज नंबर जो 7 है उस पे अगेन लेटर ए ही है. और आज मैंने आपको पेंसिल के बारे में भी बताना था. दिस इज़ योर पेंसिल, जो आपकी पेंसिल है. आप लोगों को पेंसिल होल्डिंग नहीं ना आती प्ले ग्रुप, लेकिन आपको मैं बता रही हूँ कि कैसे करेंगे. पेंसिल को हम कैसे पकड़ते हैं? लाइक दिस. आपने बहुत ही प्यार से बहुत ही आराम से पेंसिल पकड़नी होती है और पेंसिल को टाइटली होल्ड करते हैं. उसके बाद आप लोगों ने अपने
डॉट के बिल्कुल ऊपर ऊपर स्लोली स्लोली आपने अपनी पेंसिल को अपने फर्स्ट डॉट पे रखना है। क्लोज करके दिखाती हूँ आपको, आपने फर्स्ट डॉट पे अपनी पेंसिल रखनी है कैसे ऐसे और स्लोली स्लोली कम डाउन और मेक अ कर्व स्लोली स्लोली। देखें उसके बाद कैसे करेंगे हम अपने डॉट्स को ज्वाइन करते हुए सेमी सर्कल। वंस अगेन देख लें, स्टार्ट फ्रॉम योर फर्स्ट डॉट, स्लोली स्लोली कम डाउन, डोंट मिस योर डॉट एंड मेक अ लेटर ए एन। वन मोर टाइम, स्लोली स्लोली कम डाउन एंड मेक अ कर्व, आफ्टर दैट मेक अ सेमी सर्कल। विच लेटर इज दिस? ए एफ। विच लेटर इज दिस? ए एफ। आज आपको मैंने दो कलर्स के बारे में भी बताना है जिसको आपने जो आपने अपने फर्स्ट पिक्चर एप्पल में राइट कलर करने हैं वो कौन से हैं। फर्स्ट लेटर फर्स्ट कलर कौन सा है आपका? विच कलर इज दिस? रेड। विच कलर इज दिस? रेड। विच कलर इज दिस? ग्रीन। तो ये दोनों कलर्स जो हैं वो आप अपने अपने सॉरी फ्रूट जो है एप्पल उसमें यूज़ करेंगे, और एप्रिकोट आपको पता है येलो कलर की होती है, आपने उसमें येलो कलर करना है। ये आपका रेड कलर है, आप अपने जो नीचे वाला हिस्सा है ये वाला, यहाँ पे आप इसके रेड कलर करोगे। मैं कंप्लीट नहीं करी, सिर्फ आपको बता रही हूँ। और आपने उसके लीफ पे यहाँ पर आपने ग्रीन कलर करना है। इस तरह से आप लोगों ने अपनी सारी बुक्स पे अपने जहाँ जहाँ पे आपकी स्मॉल पिक्चर्स हैं जो राइटिंग है अपने घर पे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है जी, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद मैं चेक करूँगी और फिर मैं आपको बताऊँगी कि आप लोग कैसे चल रहे हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।